निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू हैं और सामने रवनीत सिंह बिट्टू। असल में नवजोत सिंह ने पंजाब कांग्रेस में इतने शत्रु बना लिए हैं कि सबको एकजुट करने में पार्टी का दम फूलने लगा है। कैप्टन फिर चन्नी, मनीष तिवारी, सुनील जाखर और रवनीत सिंह बिट्टू, ये सब ऐसे नेता हैं जिनसे सिद्धू की खुली अदावत है। लेकिन ऐसे कई नेता खामोश से बैठे हैं जिन्होंने खुलकर सिद्धू की मुखालफत शुरू नहीं की है। इस्तीफा वापस लेने के ऐलान से काम नहीं करने का ऐलान करने वाले सिद्धू एक तरह से पंजाब कांग्रेस के लिए बड़ा बोझ बन गए हैं, जिन्हें ढोते रहना पार्टी की मजबूरी सी है। इसी वजह से रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कोरोना का टीका तो दुनिया को मिल गया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के मर्ज की दवा नहीं मिली। पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके विरोधी खेमे के बीच बयानबाजी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में जारी है। सिद्धू लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही सरकार के कामकाज में मीन मेख निकाल रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक बार फिर लुधियाना से कांग्रेस पार्टी के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने उन पर तगड़ा तंज कसा है। रवनीत सिंह बिट्टू ने सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें कोरोना वायरस का इलाज मिल चुका है, लेकिन इनका समाधान नहीं हो रहा है। बिट्टू ने यहां तक कह दिया कि पार्टी की नेशनल लीडरशिप के पास भी सिद्धू की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। बिट्टू ने यह भी कहा कि हमारे सीएम कोई घोषणा करते हैं और हमारे अध्यक्ष सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं। बेहतर है कि सिद्धू को आधिकारिक मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए। सीएम क्यों नहीं सिद्धू को पहले फैसलों के बारे में बता देते, नहीं तो फिर वो जाकर सवाल उठाते रहेंगे। बिट्टू ने सुनील जाखड़ की तारीफ करते हुए कहा कि सुनील जाखड़ राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके रहते कांग्रेस में कभी कोई समस्या नहीं हुई। मैं एक छोटा पार्टी वर्कर हूं, मैं सिद्धू पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह पार्टी नेता द्वारा अपनी सरकार की आलोचना करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।